हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं बंगाली बाबा का मंदिर और वहाँ जाकर आप सभी को बंगाली बाबा का मंदिर का नज़ारा भी दिखलाएंगे और वहाँ से होते हुए हम धर्मनाथ बाबा का मंदिर भी जाएंगे। चलिए चलते हैं बंगाली बाबा का मंदिर। और ये रहा मेरे मुख्य द्वार, घर के मुख्य द्वार से हम निकल चुके हैं और अभी हम जाने वाले हैं। पहले बंगाली बाबा का मंदिर जाएंगे, उसके बाद जाएंगे धर्मनाथ बाबा का मंदिर। तो बने रहिए वीडियो में और आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये रहा बंगाली बाबा का मुख्य द्वार, जो बंगाली बाबा का मंदिर के तरफ रास्ता जाता है वो वहाँ पे है। और यहाँ से आगे हम बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं और आगे में भी आप दिखलाएंगे आपको बंगाली बाबा का। ये बंगाली बाबा का मंदिर रहा, पूरा देख लीजिए नज़ारा, पूरा दम बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे पूजा पाठ हमेशा होते रहता है और श्रद्धालुओं का भीड़ हमेशा लगा रहता है, देख सकते हैं। और ये लिखा हुआ है बंगाली बाबा का मठ। और यहाँ से आगे बढ़िएगा तो अंदर में, अंदर के प्रांगण में बाबा का प्रतिमा स्थित है। और ये है बंगाली बाबा का प्रतिमा जो अभी लगा है। और ये मूर्ति धर्मनाथ बाबा के करकमलों द्वारा लगाया गया है। और ये इस पे बाबा सोते थे चारपाई पे। और आगे का इधर का पूरा कैंपस है, जो नज़ारा है, जो अंदर का बंगाली बाबा का मंदिर का अंदर का नज़ारा है। हाता उसको हाता घेरा, मंदिर में ही शिवलिंग है, एक बहुत पुराना शिवलिंग है मंदिर में, और उसके ठीक पीछे दिखाई जो दे रहा है वो राधा कृष्ण का प्रतिमा लगा हुआ है। और यहाँ से हम इधर मुड़ते हैं तो इधर बजरंग बली हैं, हनुमान जी का प्रतिमा लगा हुआ है। और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें सब पूजा पाठ का सामान यहाँ पे सब मिलता है और गंगा नदी पास में ही बहती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, और ये गंगा जी का नज़ारा है पूरा। ये पूजा पाठ का सामान तो मिल ही रहा है और ये गंगा जी का नज़ारा है पूरा, देख सकते हैं पूरा का पूरा भी गंगा जी का पानी बढ़ा हुआ है। और देखिए कितना बढ़ती है गंगा मैया। और पूरा मंदिर से आगे जब निकलिएगा, इधर टर्न करिएगा, थोड़ा सा मुड़िएगा, तो ये रास्ता जाता है सीधे बंगाली बाबा के मंदिर से होते हुए सीधे धर्मनाथ बाबा के मंदिर की ओर ये रास्ता जा रहा है। और इसी रास्ते में एक और मंदिर पड़ता है, अयोध्या मंदिर, वो भी आपको थोड़ा सा दिखलाएंगे, उसमें का भी नज़ारा बतलाएंगे आपको, उसका भी एक वीडियो बनाएंगे। और इसके ठीक बगल सटा हुआ ही है, और ये बगल में ही है अयोध्या मंदिर है। और यहाँ से आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आगे जाएंगे तो उसका मुख्य द्वार, ये पहले का इनार है, बहुत पुराना है, इसको कुआं बोलते हैं, बहुत पुराना है। और इसमें से पहले रस्सी डालकर और नीचे से पानी लोग, पहले के लोग खींचता निकालता था लोग। और ये रहा मुख्य द्वार, अयोध्या मंदिर का मुख्य द्वार, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे आने वाले दिनों में। और यहाँ से चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं धर्मनाथ बाबा का मंदिर। वो जो दिखाई दे रहा है ना वाइट वाइट वाला, वो म्यूजियम है, पार्क बना हुआ है। और उसके गांव का नज़ारा है, पूरा गांव है, टर्न करके दिखला रहे हैं आपको। और यहां से आगे बढ़िएगा, ये आगे रास्ता जा रहा है, यही म्यूजियम है, साइड में जो दिखाई दे रहा है ये म्यूजियम है। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं धर्मनाथ बाबा का मंदिर, और वहाँ भी थोड़ा बहुत नज़ारा दिखलाएंगे, धर्मनाथ बाबा का मंदिर का भी नज़ारा आप सभी को दिखलाएंगे। बने रहिए वीडियो में, आगे जाकर वहाँ का भी थोड़ा सा नज़ारा दिखलाएंगे। दोनों मंदिर कम्बाइंड है, धर्मनाथ बाबा का मंदिर और ये बंगाली बाबा का मंदिर एक ही है। दोनों मंदिर बाबा आते हैं, दोनों मंदिर में बाबा पूजा करते रहते हैं हमेशा। और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है वाइट वाला, वो शिवलिंग है, वहाँ पे भी शिवलिंग है, उसका भी हम थोड़ा देर में दिखलाएंगे आपको आगे जाकर। और यहाँ से बढ़िएगा तो ये धर्मनाथ बाबा का मंदिर है, और इसमें चलते हैं आगे। चलिएगा तो सीधे सामने, जैसे ही मुख्य द्वार से सामने जाइएगा तो सामने राधा कृष्ण का प्रतिमा लगा हुआ है। अभी मंदिर का एक कैंपस है, देख लीजिए, उसके बाद राधा कृष्ण का प्रतिमा भी आप सभी को दिखलाएंगे। इसमें सब बहुत सारा फूल पत्तियाँ बाबा लगा कर रखे हैं, एक से एक फूल लगा कर रखे हैं बाबा। और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो वहाँ पे राधा कृष्ण का प्रतिमा मूर्ति है, यहाँ देख लीजिए, ये देख सकते हैं राधा कृष्ण का प्रतिमा है। और यहाँ भी पूजा पाठ हमेशा होते रहता है इस मंदिर पे भी।
हमेशा भीड़ लगा रहता है, आप आकर घूम भी सकते हैं। और चलिए हम चलते हैं शिव मंदिर। ये शिव मंदिर है बाबा का ही, धर्मनाथ बाबा के मंदिर से ही थोड़ा सा डिस्टेंस दूरी पे है, और यहाँ भी पूजा होते रहता है। ये मंदिर में अभी पूजा होते हो रहा होगा, चलिए देखते हैं। ये हवन कुंड है, इसमें हवन होता है। ये पीपल का पेड़ है सामने जो दिखाई दे रहे हैं। ये शिव मंदिर है और इसमें पूजा हो रहा है, दिखला रहे हैं आपको अभी। ये देखिए अभी पूजा, एक भक्त हैं जो पूजा कर रहे हैं शिव जी का, शंकर भगवान का। और चलते हैं अब, यहाँ से आगे निकलते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आगे निकलते हैं। ये सब नज़ारा है, वहीं का नज़ारा है, शिव मंदिर के पास में ही का नज़ारा है। ये नीम का पेड़ है, और इधर से निकलिएगा तो गंगा नदी यहाँ पे भी दम पास ही में बहती है, और पूरा ये गंगा नदी का नज़ारा है। और हम फिर से आ गए हैं धर्मनाथ बाबा के मंदिर के प्रांगण में, और यहाँ से नज़ारा आपको दिखला रहे हैं। ये सब फूल पत्तियाँ बहुत सारा लगा कर रखे हैं, ये धर्मनाथ बाबा का मंदिर है। और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा तो देखेंगे, ये देखिए फूल का पेड़ लगाए हैं बाबा, बहुत सारा फूल पत्ती यहाँ पे लगा कर रखे हैं बाबा। पूजा पाठ के लिए हमेशा श्रद्धालु लोग तोड़ता उड़ता है लो, और अपना तोड़ उड़ कर पूजा वूजा में यूज में लेता है लो। और बहुत सारा फूल है, कहने का नहीं, बहुत सारा फूल है। अभी तो फूल कम हो गया है, लेकिन बाबा अभी फूल फिर से लगाएंगे। फरवरी तक आते आते इसमें तो इतना फूल हो जाता है ना, क्या कहें। देखने के बाद इतना अच्छा लगता है कि मन खुश हो जाता है। और ये सब देखिए अभी तेज हवा चल रहा है तो पेड़ उड़ लोग एकदम झूम रहा है लोग। चलिए ठीक है, अब यही बात। शाम का वक्त हो चुका है दोस्तों, और हम आए हैं फिर से बंगाली बाबा के मंदिर के पास। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल घंटी दबाइए। और तब तक बने रहिए, अच्छा अच्छा कॉन्टेंट लाते रहते हैं, और इस तरह का वीडियो हम हमेशा बनाते रहते हैं।